जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री राधा बाबा प्रेम सत्संग सुधा माला में कहते हैं, अनादि काल से विषयों के संस्कार मन में हैं और विषयों की इच्छा होती है। प्रत्येक विषय की कामना के साथ ही मन उसकी पूर्ति के लिए व्याकुल होता है। पूर्ति हुई, व्याकुलता मिटी, पर यह मिटेगी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि उतनी देर तक आत्मा की छाया मन पर पड़ी थी। जैसे हिलते हुए दर्पण में मुख नहीं दिखता, स्थिर होने पर दिखने लग जाता है, वैसे ही चंचल मन में आत्मा का सुख प्रतिबिंबित नहीं होता। जब मन दर्पण थोड़ी देर के लिए शांत होता है, तब उसका हिलना बंद होकर आत्मा का प्रतिबिंब उस पर पड़ता है, फिर कुछ क्षण के बाद दर्पण हिलने लगता है। इसी तरह विषय की पूर्ति, सुख, फिर विषय की कामना और व्याकुलता, यह चक्कर चलता रहता है। असल में वह सुख भी छाया है, असली नहीं। असली सुख तो उस वस्तु में है जिसकी छाया पड़ती है, वह परम वस्तु है भगवान। लीला वस्तुओं के पाठ का नियम लेकर साधना करनी पड़ती है। एक वाक्य पढ़ा और फिर उस चीज का एक सेकंड मन में चित्र बांधकर देख लिया, फिर दूसरा वाक्य पढ़ा, उस वस्तु का चित्र बांधकर देख लिया, तीसरा वाक्य पढ़ा, उस वस्तु का चित्र बांधकर देख लिया। यह पाठ जिस दिन 5000 वस्तुओं का लगातार पूरा हुआ कि लगातार 6 घंटे लीला का ध्यान हो जाएगा। जैसे राधा कुंड का जल चमचमा रहा है, एक दो सेकंड इसका ध्यान कीजिए, राधा कुंड कैसा है। कुंड पर कमल के फूल हैं, अब कमल के फूल का ध्यान कीजिए एक दो सेकंड। कमल के हरे हरे चौड़े पत्ते हैं, नीले लाल उजले 3 तरह के कमल हैं। कमल के फूल पर काले काले भंवरे मंडरा रहे हैं, पवन के कारण कमल की डंडी हिल रही है। कमल के फूल के पास एक हंस बैठा है, हंस उजले रंग का है। हंस बोल रहा है, राधा कुंड बहुत लंबा चौड़ा है, पूर्व की ओर करीब 1 फलांग लंबा। इस प्रकार प्रतिदिन नियम से करना चाहिए, आनंद आए या न आए। मन की बदमाशी से कभी कभी जी उबेगा, पर तुले रहने पर मन फिर लग जाएगा। और भी युक्तियां हैं, जैसे भागवत का पाठ करना हो, अब प्रत्येक श्लोक पर जब एक बार प्रिया प्रियतम की छवि का चित्र बंध जाएगा, तब दूसरा श्लोक पढ़ेंगे। इस प्रकार यदि 12 अध्याय पाठ का नियम हो तो 3 घंटे ध्यान हो जाएगा। 18 अध्याय गीता पाठ का नियम हो तो 3 घंटे बीत जाएंगे, पर होगा लगन से करने पर ही, जय श्री राधे।